नमस्कार दोस्तों दोस्तों बिना लटक बीम का, मतलब जिसको हम लोग प्राइमरी बीम बोलते हैं अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, और बीच में जो है सेकेंडरी बीम लटक बीम दे देना, क्या ये सही है? अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आप ही लोग एनालाइज कीजिएगा, यहाँ पे कहीं भी जो है लटक बीम नहीं है और ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। इन्होंने महाशय क्या किया है कि हैवी बीम जो है सेंटर में दे दिया। क्या कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं, कहाँ का दिमाग मुझे पता नहीं, और ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक। और आपको जो है ऐसी गलती नहीं करना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बीम किस हिसाब से, बीम का लोड किस पे आ रहा है, ब्रिक पे आ रहा है। और ये जो है बिल्कुल गलत है, गलत तरीका है। ऐसा आप अगर कोई मिस्त्री चाहे ठेकेदार आपको सलाह दे रहा है, ऐसे आप ना पड़े। चारों साइड से लटक बीम देंगे तभी जा करके आपको जो है इस सेकेंडरी बीम देना है। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ इस लटक बीम की। ये जो लटक बीम दिया हुआ, जबकि ये जो है प्राइमरी बीम जो देना चाहिए, अगर प्राइमरी बीम इस वाल के ऊपर रहता तो यहाँ हमें दिखता, तो यहाँ वेंटिलेशन जो छत से बराबर नहीं बल्कि नीचे रहता, इस बीम के नीचे रहता है वेंटिलेशन। लेकिन इन्होंने बीम नहीं दिया। अगर हम बात करें यहाँ पे, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चाहे ठीक है, मान लें कि आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आपका जो है बिल्डिंग हो गया, ठीक है। ये हम टॉप व्यू प्लान बता रहे हैं, यहाँ आपका जो है वाल हो गया, ये वाल हो गया, और इसी के ऊपर हम लोग जो बीम देंगे। लेकिन जब तक हम इसका, अगर हम बात करें यहाँ पे, जब तक हम जैसे अब इस सेक्शन की बात करें, यहाँ ये वाल हो गया आपका, तो जब तक हम यहाँ पे जो है इस यहाँ पे लटक बीम नहीं देकर स्लैब नहीं देंगे, तो फिर बीच में जो हम प्राइमरी बीम क्यों देंगे भाई? यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें जो है कोई लटक बीम नहीं है, यहाँ जो है कोई लटक बीम यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन बीच में जो है एक प्राइमरी जो है लटक बीम दे दिया गया, ये बिल्कुल जो है आपका गलत है। यहाँ पर लटक बीम दे दिया और यहाँ जो है आपका बीम दिया ही नहीं, बस ऐसे वाल पे रखा हुआ। यहाँ बीम नहीं है, ये बीम है, यहाँ भी बीम नहीं है। बीम देना है तो आपको चारों साइड बीम दीजिए, तब लटक बीम दीजिए, ये आपको ध्यान देना। और ये बीम को जो है वाल के ऊपर नहीं रखना है, अगर बीम दिए हैं तब आप चारों साइड भी जो है लटक बीम दे करके तब जा करके आपको जो है बीम देना। तो इस तरह का गलतियाँ अगर लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब यहाँ देखिए, ये वाला बीम देखिए, यहाँ जो है आपका, अगर यहाँ दिख रहा होगा आपको तो ये देखिए, यही बीम दिया। इस बीम का फंक्शन कुछ भी क्या काम है अब इस बीम का, बताइए। तो यही बीम यहाँ दिख रहा है और ये क्या क्या है, वाल पे है ऐसे, और यहाँ पे जो बीम है ही नहीं। तो बीम देना है तो पूरा बीम दीजिए, कोई एक्स्ट्रा बीम जो है इस तरह का ना दे। लटक बीम देना है तब जाकर के छत बनाना, पैसा ना बचाइए, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये सारा चीज़ है जो कि छोटे मोटे चीज़, जब भी कभी आप घर बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है। पूरा प्राइमरी बीम भी लटक बीम देना है, फिर तब सेकेंडरी बीम भी लटक बीम देना, ना कि बस ऐसे देके काम चला दिए, ऐसा गलती ना करें। और आपको घर को मजबूत बनाना है तो ध्यान में रखते हुए चलना है, मजबूत तब नहीं बनाना है तब भाई ये आपके ऊपर है, जो कि सही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो है ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस यही तक जब जब सिविल इंजीनियर दीपक को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।